भगत सिंह ने गवर्नर नु चिट्ठी लिखी कि सानू फांसी देन दी बजाए गोली नाल उड़ा दिता जावे। पर क्यों मैडम जी? क्योंकि इंकलाबिया नु मौत दा डर नहीं हुंदा। मद्दी ओए, मैं ना वड्डा होके भगत सिंह बनूंगा। हमें ये तय करना होगा कि आखिर आतंकवाद की परिभाषा क्या है, वास्तव में आतंकवादी है कौन। तैनू मैं दिखाना स्वाद, अत्तवादियों नू ठार देन दो। ਤਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੜ ਜੂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਊਗਾ। ਜਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਂਗਾ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਇਬ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਸਾਂ ਮੇ ਤੇ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। सर, एक तरफ पुलिस फोर्स है नफरत फैला रही और दूसरी तरफ वो लड़का है जो लोगों के दिलों में घर कर रहा है। डरन दी लोड़ नहीं, ये तानू डराउन ली नहीं, वो ताडी रखिया ली है। भुल जाने तुसी अपने गुरु पीरा ते रब दा नाम, सिर्फ इको नाम याद रखोगे आज ते बाद। खालसा जी, मैं चाहना यह सेवा तुसी दास की झोली पा दी। जो भी करना है कीजिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। I want that boy dead or alive। निरई तूफान है, आज तो असी तेनू इसे नाम ना सदांगे। बेटा, जो भी काम करना शांति से करना। शांति बंदूक दी गोली चो निकलती है बाबा, गल्ला चो नहीं। लहू पीलिया साले से खड़याने। जब जब सत्ता की ताकत से किसी न किसी को दबाने की कोशिश की जाएगी, तब तब जुल्म के खिलाफ इसी तरह से कोई ना कोई तूफान उठता रहेगा।